नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बची हुई दाल के पराठे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। इन्हें सुबह सुबह नाश्ते में या शाम को डिनर में बनाकर परोसा जाए, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। बची हुई दाल के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम बीच में थोड़ी जगह बना लेंगे और ये जो बची हुई दाल है हमने फ्रिज में से निकाल ली है, ये हम आटे में डाल देंगे। दाल में सारे मसाले हैं। आटे को एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा नमक इसमें डालना होगा और आटे को गूंथेंगे और बहुत अच्छे पराठे बन जाएंगे। लेकिन पराठों में थोड़ा सा और अच्छा स्वाद देने के लिए हम थोड़े से और मसाले डालेंगे। तो हमने ये 1/2 छोटी चम्मच जीरा लिया है, नमक 1/2 छोटी चम्मच, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पराठे खाने हैं तो आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, कतरी हुई प्याज डाल सकते हैं। अपनी पसंद से आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं। और इसमें हम 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। तो दाल में हम आटे को मिलाते हुए गूंथेंगे। यह हमने धनिया लिया है 2-3 टेबल स्पून। यह हमारा आटा थोड़ा सख्त है और थोड़ा सूखा आटा भी दिख रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अगर आटा पतला हो रहा हो तो आप उसमें थोड़ा सूखा आटा डाल सकते हैं। आटे को हमें बिल्कुल उसी तरह का सॉफ्ट बनाना है जैसा कि हम नॉर्मल पराठों के लिए बनाते हैं। ये पराठे के लिए हमने सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया और हमने 2 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। इसमें डो को हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा डो सेट होकर तैयार हो जाएगा, तब हम पराठे बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ को चिकना करेंगे, आटे को थोड़ा सा मसल कर चिकना करेंगे। पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो हम आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे। पराठे अपनी पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या थोड़े बड़े बनाए जा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पराठे हम बना रहे हैं। गोल लोई बना लेंगे आटे से, इसे चपटा करके तैयार करेंगे और सूखे आटे में लपेटेंगे। और अब हम गोल 3-4 इंच के व्यास में इसे बेलकर तैयार करेंगे। पराठे हम तिकोने, गोल या चौकोर कैसे भी बना सकते हैं। तो अभी हम तिकोने पराठे बना रहे हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे और इस पराठे के ऊपर चारों ओर एक जैसा फैलाएंगे। पराठे को हाफ करके मोड़ देंगे और थोड़ा सा तेल हम इधर भी लगाएंगे और फिर से इसे हाफ करते हुए मोड़ देंगे। यानी ये ट्रायंगल लोई बनकर तैयार हो गई। इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे और पतला पराठा हल्की सी थिकनेस लिए हुए बेलेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारे पराठे का शेप तिकोना ही रहे। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया। इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है। तवे पर हम थोड़ा सा तेल डालकर इसको चारों ओर फैलाएंगे, तवे को चिकना करेंगे। पराठा सिकने के लिए तवे पर डालेंगे। पराठे को हम नीचे की ओर से हल्का सा सिकने देते हैं। जब तक हमारा ये पराठा सिकेगा तब तक हम बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पराठा बेलकर तैयार करेंगे। पराठा ऊपर से थोड़ा डार्क हो गया है, हम इसे पलट देंगे। हमारा पराठा नीचे से सिक गया है। पराठे को हम दूसरी ओर हल्की सी ब्राउन चिट्टी आने तक सेकेंगे। पराठा नीचे की ओर से भी थोड़ा सिक गया है। पराठे के हम पहली साइड पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर एक जैसा फैलाएंगे। पराठे हम तेल से बना रहे हैं, पराठे घी से भी बनाए जा सकते हैं। पराठे को पलट देंगे। पराठे के दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर फैलाएंगे। गैस मीडियम रखेंगे। पराठे को पलट पलट कर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चिट्टी आने तक सेकेंगे। पराठे को उतार कर हम प्लेट पर रखी हुई प्याली पर रख देंगे या फिर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसेंगे। पराठा जब तवे से उतर कर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसा जाता है तब बहुत अच्छा लगता है। और सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। चौकोर पराठा बनाने के लिए हम लोई तो इसी तरीके से तोड़कर तैयार करेंगे। सूखे आटे में लपेटेंगे और 5-6 इंच के व्यास में पतला बेलकर तैयार करेंगे। अगर आटा चिपकने लगे तो फिर से सूखा आटा लगा लेंगे।
और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर एक जैसा फैला लेंगे। पराठे को हम इस तरीके से तीन में डिवाइड करते हुए मोड़ लेंगे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक जैसा फैलाएंगे। और अभी फिर से पराठे को तीन भागों में डिवाइड करते हुए मोड़ लेंगे, चौकोर लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। चौकोर शेप देते हुए पराठे को हल्की सी थिकनेस में बेलेंगे और पराठे को बिल्कुल उसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। ये हमने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतने आटे से हमने 9 पराठे बनाए हैं। पराठों के नीचे से हम प्याली हटा देते हैं क्योंकि अब हमारा नीचे का पराठा तो एकदम ठंडा हो गया है। एकदम गर्मा गर्म पराठा हम प्लेट के ऊपर नहीं रखते क्योंकि हमारा पराठा सौगी हो जाता है। बची हुई दाल से बने खस्ता और टेस्टी पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं। पराठों को दही, चटनी, अचार या अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ में परोस सकते हैं। आप अगर पराठे नहीं खाना चाहते तो रोटी भी बना सकते हैं। बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसकी टेस्टी खस्ता रोटी भी बनाई जा सकती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये पराठे ने जो भी दाल बनाई है, अरहर, मूंग, चना, उड़द या फिर मसूर, कोई भी दाल है बची हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से आटा गूंथ कर पराठे बनाए जाते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।